हेलो हेलो, आवाज आ रही है आपके? क्या हाँ, तो बोल देना कि डाउट पास। ठीक,
शुरू करें अब हम लोग। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन एक बार लिखिए। एक बार क्वेश्चन लिखो भैया। यदि दो संख्याओं का अनुपात, क्वेश्चन एक बार लिखो, दो संख्याओं का अनुपात 9:4 है, दो संख्याओं का अनुपात 9:4 है, 9:4, 9:4 है, और यदि दोनों संख्याओं में से, दोनों संख्याओं में से दोनों संख्याओं में से 5 घटा दिए जाएं, 5 घटा दिए जाएं, यदि दोनों संख्याओं में से 5 घटा दिए जाएं तो इनका अनुपात 7:3 हो जाता है, तो इनका अनुपात 7:3 हो जाता है, 7:3 हो जाता है। तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए, तो फाइंड द फर्स्ट नंबर, तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए, तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। एक बार मैं बता दूं आपको, एक बार देखो, क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि दो संख्या है हमारे पास, और वो कौन कौन सी संख्या है ये बारे में तो नहीं बताया, लेकिन ये जरूर बताया कि इनका रेशियो 9:4 है। अगर मैं इधर भी 5 को कम कर लूं और मैं इधर भी 5 को कम कर लूं, ऐसा अगर मैं कम कर लूं, घटा लूं दोनों में से, कि साहब उस संख्या में से भी 5 घटा लूं और इधर भी 5 घटा ले, तो इसका रेशियो हो जाता है 7:3, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। तो फिर कहा है कि बताओ कि पहली संख्या क्या हो सकती है। तो देखो, अगर स्कूल के ज़माने में हम लोग होते थे तो उस टाइम भी ऐसे क्वेश्चन हमारे पास आते थे, तो हम उस टाइम कहते थे कि ये 9x है और ये 4x है। तो अगर मैंने 9x में से 5 को घटा लिया, पहली संख्या में से 5 को घटा लिया, और दूसरी संख्या में से भी 5 को घटा लिया, तो अगर दोनों में से मैंने 5-5 को घटा लिया, तो ये संख्या 7 रह गई और ये संख्या 3 रह गई। अब हम इसको कैलकुलेशन करेंगे, अगर 3 से इधर गुना किया तो 9:27x-15 हो गया, और इधर भी अगर करेंगे हम लोग तो 7×4=28x, अब -35 हो गया, कह सकते कि नहीं। अब ये एक्स एक्स को एक तरफ ले चलो, तो 28 में 27 को आप घटाएंगे तो ये एक्स आ गया, और इस साइड भी अगर आप ले चलेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 20, मतलब एक्स की वैल्यू 20 आ गई। तो हम पहली संख्या को कह पाते थे उस टाइम कि 9×20 बोले तो पहली संख्या इसका मतलब 180 होगी। सही जा रहे गलत जा रहे, कि स्कूल के ज़माने में शायद हमारे पास यही रास्ता होता था कि भाई अगर अनुपात है तो इसको एक्स एक्स मान लो और मान के सिचुएशन को कंट्रोल कर लो। लेकिन अगर एक होता है रेशियो को इक्वेटिंग, है ना, कि रेशियो को हम इक्वेट कर सकते हैं, है ना, ये किन किन परिस्थितियों में हो सकते हैं इसको पहले मैं बता देता हूँ कि किन परिस्थितियों में हम रेशियो को इक्वेट कर सकते हैं, है ना। काफ़ी सिचुएशन आती है जब हम रेशियो को इक्वेट करके क्वेश्चनों को सॉर्ट आउट कर लेते हैं। अगर हमारे तरफ दोनों तरफ बराबर बराबर घटत आ रही है कमी, है ना, या बराबर बराबर बढ़त भी आ रही है, तो हम रेशियो को इक्वेट कर सकते हैं। रेशियो को हम कैसे इक्वेट करेंगे, देखो
इसमें से पहले इसको घटा लो, 9 में से 4 गया कितना आ गया 5, और 7 में से 3 गया तो कितना आ गया 4, और दोनों के डिफरेंसेस को एक दूसरे से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, मतलब इसके डिफरेंसेस से इसमें मल्टीप्लाई कर लो और इसके डिफरेंसेस से इसमें मल्टीप्लाई। बोले तो यहाँ पे हमने 4 से गुना कर लिया और यहाँ पे 5 से गुना कर लिया, तो नया रेशियो आएगा कि 9 चौका 36 और 4 चौका 16, सेवाएं समाप्त की जा इसकी, और 7 पंजे 35 और 3 पंजे 15। अब ये रेशियो इक्वेट हो गया। बच्चा कहता है इसकी ज़रूरत क्यों आ रही है, आखिर इक्वेट हम क्यों करें साहब, ये अच्छा खासा यहाँ पे रेशियो दिखाई देता था, फिर इसको आपने इक्वेट करा दिया। देखो रेशियो हमेशा अनसर्टेन होते हैं, मतलब आप ये देखो कि 5 कम किया गया तो इधर 2 कम हो गया, देख रहे हैं ना आप, इधर 2 कम हो गया, इधर 5 कम किया गया तो इधर 1 ही कम हुआ, तो एक यूनिट की वैल्यू आप 5 रखोगे कि 2 यूनिट की वैल्यू 5 रखोगे, समझ पा रहे ना। इधर देखो 5 कम होते हैं तो ये 9 से 7 पे आ जाता है, मतलब 2 यूनिट कम हो जाता है, और इधर 5 कम होता है तो सिर्फ ये 1 यूनिट कम होता है, समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो दोनों तरफ बराबर बराबर कम कैसे किया जाए, इसके लिए हम रेशियो को इक्वेट कर देते। अब आप देखो कि 36 से ये 35 हो गया और ये 16 से 15 हो गया, मतलब आप कह सकते हैं कि इस 5 घटाने के चलते 1 यूनिट कम हो गया, कह सकते कि नहीं कह सकते। तो 1 यूनिट की वैल्यू हम 5 के बराबर बोल सकते कि नहीं बोल सकते, हाँ या ना। तो पहली संख्या कौन है, 36 यूनिट है, तो 36 पंजे कितना बता सकते हैं हम लोग, 180। आंसर को दे सकते कि नहीं दे सकते कि साहब इसका मतलब है कि पहली संख्या 180 के बराबर होगी। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, नहीं आ रही कि नहीं, खुश नहीं आ रही। देखो जब दोनों तरफ बराबर बराबर घटता हो या दोनों तरफ बराबर बराबर बढ़ता हो, है ना, तो रेशियो हमारे ऑर्डर में नहीं होते। कहे कि ये देखो 5 यूनिट कम हो रहा तो यहां 2 यूनिट कम हो गया, पहले 9 था अब 7 हो गया, देख रहे ना, और यहां 5 कम हो रहा तो ये 4 से 3 हो गया, मतलब कितना यूनिट कम हो गया 1। तो आप बताओ कि इस साइड से अगर बच्चा डिटरमिनेशन पे चढ़ाएगा इसको तो 2 यूनिट की वैल्यू 5 रखेगा, रखेगा कि नहीं, और इस साइड से डिटरमिनेशन पे चढ़ाएगा तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 रखेगा, तो आंसर तो डिफरेंट फेंकेगा ना, फिर उस साइड से पकड़ो तो कुछ अलग फेंक देगा, इस साइड से पकड़ो तो कुछ अलग फेंक देगा, समझ पा रहे कि नहीं। जब दोनों तरफ बराबर बराबर घटाया जाता है तो दोनों तरफ बराबर बराबर यूनिट कम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए क्या करेंगे आप कि इनके डिफरेंसेस को इसमें गुना कर देंगे और इसके डिफरेंसेस को इसमें गुना कर देंगे। जैसे ही गुना करोगे तो देखो ये 4 से गुना हुआ, 9 चौका 36 और 4 चौका 16, और फिर इसमें किया तो 7 पंजे 35 और 5 तिया 15, इधर भी देख 1 यूनिट कम हो गया, इधर भी 1 यूनिट कम हो गया, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 के बराबर रख दी कि नहीं रख दी। अब पहली संख्या बोला तो 180 आ गया, अगर दूसरी बोलेगा तो 80 आ जाएगा, सही जा रहे हैं। एक बार आप ट्राई करके देख लो, तो क्वेश्चन को आप खुद से करके देख लो, तो फिर मैं बताता हूँ कि इसके यूजेस क्या है, है ना, आखिर इसको क्यों पढ़ा जाए, इतनी छोटी बात को पढ़ने के लिए एक अलग ही रेशियो इक्वेट क्यों पढ़ा जाए। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन एक बार लिखो तो, एक बार क्वेश्चन लिखो, एकदम बिल्कुल सेम क्वेश्चन करके देखो तो, एक बार क्वेश्चन लिखिए, यदि दो संख्याओं का अनुपात, यदि दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है
पांच अनुपात सात है, और यदि उन दोनों संख्याओं में से चालीस घटा दिया जाए, दोनों संख्याओं में से 40 घटा दिया जाए तो उनका अनुपात 17:27 हो जाता है, तो उन दोनों संख्याओं के बीच अंतर ज्ञात कीजिए, एक बार खुद से चेक करो तो कि आप इसको समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे। हम रेशियो को कैसे इक्वेट कर सकते हैं, दोनों तरफ 40-40 घटाया गया है। पहले रेशियो 5:7 था, एक बार मैं फिर से बता दूं आपको, अगर आप चाहें तो पहली और दूसरी ये 5:7 है, जब दोनों तरफ 40 और 40 घटाया तो ये रेशियो 17:27 हो गया, ये आ गया 2, और ये कितना डिफरेंस आ गया 10। इसको इसमें कर दो और इसको इसमें कर दो, तो यहाँ पे 10 से गुना कर लिया हमने और यहाँ पे 2 से गुना कर लिया, कर सकता हूँ मैं, तो 10 × 5 = 50 और 7 × 2 = 70, इसकी सेवा समाप्त हो गई, और ये 17 × 2 = 34 और ये 27 × 54 हो गया, मतलब ये कहानी खत्म हो गई, आपने गुना कर लिया उसकी कहानी खत्म हो गई। अब आप देखो दोनों तरफ बराबर बराबर कम हो रहा, तो इसका मतलब 16 यूनिट कम हो रहा, ना 16 यूनिट कम, ये 16 यूनिट क्यों कम हो रहा, 40 के चलते कम हो रहा कि नहीं, हाँ या ना, तो 16 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 40, तो एक यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी 40/16, 8 × 5 = 40, 8 × 2 = 16, कह सकते कि नहीं कह सकते, तो ये देखो पहली संख्या 50 यूनिट की है, तो 50 × 5/2 बोले तो 125 मैं बोल सकता हूँ कि नहीं, बोल सकता हूँ, और दूसरी संख्या 70 है, 70 × 5/2 बोले तो मैं दूसरी संख्या को 175 बोल सकता हूँ, तो दोनों के डिफरेंसेस कितने आएंगे 50। मैं आंसर लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, हाँ कह रहा लिख सकते हैं, नहीं देखो अगर दोनों तरफ सीधे सीधे सोचियो कि अगर दोनों तरफ बराबर बराबर घटाया जाता हो या बढ़ाया भी जाता हो है ना, तो आपको कुछ नहीं करना, देखो ये रेशियो गड़बड़ है, घटाने पे भी ये बढ़ रहा और ये भी घटाने पे बढ़ रहा, मतलब रेशियो कभी ऑर्डर में होते नहीं, तो उनको ऑर्डर में ले आने के लिए क्या करें हम कि पहले 7 में से 5 को घटाया कि 2 आएगा और 27 में से 17 को घटाया कितना आ गया 10, इसके डिफरेंस से इस रेशियो में गुना कर लो, इस रेशियो में गुना कर लो, कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, जैसे ही मैं करूंगा तो ये रेशियो ऑर्डर में आ जाएंगे, देखो ये 50 और 70 आ गया, ये 34 और 54 आ गया, तो यहां भी देखो आप 16 कम हो गया और यहां भी 16 कम हो गया, तो ये 16 जो कम हो रहा वो 50 के चलते कम हो रहा कि नहीं, सॉरी 40 के चलते कम हो रहा कि नहीं, तो 16 यूनिट की वैल्यू 40 हो गई, तो एक यूनिट की वैल्यू निकल जाएगी, निकलेगी तो पहली संख्या भी निकल जाएगी और दूसरी संख्या भी निकल जाएगी, नहीं 50 यूनिट की वैल्यू 125
70 यूनिट की वैल्यू 175 निकलेगी कि नहीं निकलेगी। अब एक बार अगर आप निकाल लेंगे उसको, तो जो भी पूछा है, कभी पूछता है डिफरेंस क्या है, कभी पूछेगा सम क्या है, हम क्वेश्चन को बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे। आ गई बात। एक क्वेश्चन फिर से लिखो, एक क्वेश्चन आप बना के बताइए। यदि दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात, यदि दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है, 5:7 है, 5:7 है, और दोनों संख्याओं में से यदि 9 को घटाया गया, 9 को घटाया गया तो उनका अनुपात, तो उनका अनुपात 7:11 हो गया, 7:11 11 हो गया। तो दोनों संख्याओं का योग क्या है? तो दोनों संख्याओं का योग क्या है, आप करके देखो इसको। नीचे थोड़ा सा उठा दो उसको, दो चार दिन में ऐसी लग जाएगी। 72 आता है, मैं बता दूं एक बार फिर से। देखो 5:7 है और 7:11 आ गया, ये कितना आएगा डिफरेंस? 2। ये कितना आएगा? 3। आएगा कि नहीं? ये पहली है और ये दूसरी है। अब मतलब क्या है कि इसको आपको 4 से गुना करना चाहिए और इसको 2 से करना चाहिए। आप चाहें तो इसको काट भी सकते हैं कि नहीं? काट सकते हैं ना, और काट के इसमें 2 से कर दीजिए और इसमें 1 से कर दीजिए। तो 1 से करने का तो कोई मतलब है नहीं, 2 से करने का मतलब है। तो यहां 2 से किया तो ये 5 2 10 और 7 2 14 आ गया, और इसको 1 से करने का तो कोई विशेष बहस है नहीं, ये आ गया 11 आ गया। आप चाहे तो काट लो, नहीं मन करता नहीं काटो, आपकी मर्जी है। तो 14 में से 11 चला गया, कितना आ गया? 3। 3 यूनिट कम हो गया, क्यों? 9 के चलते कम हुआ कि नहीं? तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 3। तो दोनों को मिला के पूछे तो 10+14 बोले तो कितना हो गया? 24 यूनिट हो गया ना दोनों संख्याओं का योग, और 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 3 के बराबर। तो हम कह सकते कि नहीं कह सकते कि दोनों संख्याओं का योग, इसका मतलब है कि 72 होना चाहिए, सही है? हैं? हाँ, नहीं आई? दोनों संख्याओं को अलग अलग निकालने का तो कोई विशेष मतलब है नहीं कि ये 30 है, ये 42 है, फिर इनको जोड़ो, इसका क्या मतलब है? ये बात समझ में आ रही कि नहीं कि 3 यूनिट की वैल्यू 9 है? हाँ या ना? अच्छा एक क्वेश्चन फिर से करो, तो डेटा मैं लिखता हूं, मैं डेटा लिखता हूं। ये दो संख्याएं 1:1 / 2, 1:2 / 3, ये रेशियो है, फ्रैक्शन में यूज किया है कि अगर ये रेशियो ऐसे आता है ना, अब दोनों तरफ अगर 15 बढ़ाया गया तो अब रेशियो आ गया 1:2 / 3 और 2:1 / 2। बताओ तो बड़ी संख्या क्या है?
ये क्वेश्चन है, इसको चेक करके बताइए ऐड करना है। दोनों में 15-15 जोड़ दिया गया। ऐड करो या सब्स्ट्रैक्ट करो, कुछ भी करो, अगर बराबर आता है तो हम रेशियो को इक्वेट कर सकते हैं। मैं एक बार बता दूं, इसको फ्रैक्शन है, आप इसको सीधा तो कर सकते हैं ना। ये देखो, इसको पहले सीधा करके देखो, तो ये 1 1/2 कितना आएगा, ये 3/2, और उसको करेंगे तो ये कितना आएगा, 8/3 आ गया, 8/3। तो अगर मान लो मैं सीधा करना चाहता हूं तो 3/2 और 8/3 को मैं सीधा करना चाहता हूं मोटा मोटी, तो मैं इसको इलिमिनेट करना चाहता हूं बस सौ बात का एक, कि ये नीचे वाली चीज इलिमिनेट हो जाए, तो मैं 2 और 3 दोनों को गुना करके इधर गुना कर देता हूं 6 से, और इधर भी कर देता हूं 6 से। कर सकता हूं कि नहीं, द्वितीय 6 आता है, तो इसको अगर मैं काटूंगा तो ये 3 आ जाएगा, और इसको काटूंगा तो 2 आ जाएगा। बोले तो मैं इसको सीधा करके कह सकता हूं कि ये 9:16 है, कह सकता हूं कि नहीं। आप ऐसे ही जानो, इसकी जरूरत नहीं है, ये मल्टीप्लाई किया जाता तो ये पहला नंबर आ जाता है 9, और ये मल्टीप्लाई किया जाता है तो दूसरा नंबर आ जाता 16। समझ पा रहे ना, कि अगर फ्रैक्शन में रेशियो हो, जैसे मान लो कि कोई आपसे कहता है कि 7/2:11/3 इसको इक्वल करो, सही करो, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये पहला आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये दूसरा आ जाएगा, है ना। अब ये बात दिमाग में रखेंगे आप, बार बार इसको 6 से या समथिंग किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। पहले को अगर हमें फाइंड करना होता है तो ये पहला आ जाता है, और ये एरो आता है तो दूसरा आ जाता है। तो आप यहाँ पे देखो, पहला तो हम लोगों ने कर लिया, फिर दूसरे को करो, ये कितना आ गया, 5/3, 3 बन जा 3, 2 5/3, और ये कितना आ गया, 5/2, 5/5 को काट ही लो, कट सकता कि नहीं। अब 1 × 2 2 आ गया, और 3 × 1 3 आ गया, मतलब दूसरा जो रेशियो है वो 2:3 का है। मानते कि नहीं मानते इस बात को, कि साहब आप उसको सीधा करके देख लो। अब यहां से देखो, 16 में से 9 चला गया तो ये आ गया 7, और 3 में से 2 चला गया तो आ गया 1। 1 से गुना करने का तो कोई मतलब है नहीं, 7 से गुना करने का मतलब है। तो आप यहाँ पे 7 से गुना कीजिए, और यहाँ पे 1 से, 1 तो कुछ होता नहीं, तो यहाँ पे देखो 9 × 9 1 × 1 खत्म हो गया, और 7 × 2 14 और 7 × 3 21। मानते कि नहीं मानते, हाँ जी हाँ जी, ये 16 है, सॉरी ये 16 है। अब यहाँ पे देखो 5 बढ़ गया, और यहाँ पे भी देखो 5 बढ़ गया। समझ पा रहे हैं कि नहीं, हाँ या ना। तो 5 यूनिट इज इक्वल टू कितना मानेंगे आप, 15। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 3। तो 9 और 16 में बड़ा कौन है, 16। तो 16 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, आंसर बताएगा कि नहीं बताएगा, कि 16 × 3 = 48 हो गया। नहीं आ रही बात समझ में, कि दोनों तरफ बराबर बराबर घटता हो या दोनों तरफ बराबर बराबर बढ़ता हो तो हम क्वेश्चनों में रेशो को इक्वेट कर सकते हैं, है ना। रेशो में किसी चैप्टरों में कर सकते हैं, कि साहब दो रेशोज हमारे पास हैं, अगर दोनों तरफ बराबर बराबर घटता हो या दोनों तरफ बराबर बराबर बढ़ता हो तो हम रेशो को इक्वेट कर सकते हैं, और इक्वेट करके सेम सेम घटत या सेम सेम बढ़त को प्राप्त कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं कि नहीं, बोलो हाँ। अब देखो, बच्चा कहता है कि ये इतनी छोटी बात है, और इतनी छोटी बात के लिए तूने 5 4 5 क्वेश्चन करा दिए बिना मतलब। नहीं, इसके यूजेस काफ़ी है ना, इसके यूजेस
इतने ज्यादा हैं, एक बार मिटा दो इसको। देखो एज के तमाम प्रॉब्लम है ना, एक चैप्टर होता एज, इसके बाप की उम्र इतनी है तो उसके बाप की उम्र इतनी है तो ये है वो है दुनिया है, है ना, एक पूरा का पूरा चैप्टर होता है। अगर आप रेशियो को इक्वेट करना जानते हैं तो पूरे एज के चैप्टरों को एक ही मेथड से खत्म किया जा सकता है ना, पूरे जितने एजेस के प्रॉब्लम्स हैं उन सारे एजेस प्रॉब्लम को एक ही तरीका खत्म कर सकता है रेशियो इक्वेट। एक बार क्वेश्चन लिखिए कि ये लगेगा कैसे एज पे। पिता और पुत्र के, पिता और पुत्र के आयु का अनुपात 4:1 है, 4:1 है, 4:1 है, यदि 10 वर्षों के बाद, यदि 10 वर्षों के बाद, 10 वर्षों के बाद बाद पिता और पुत्र का अनुपात, पिता और पुत्र का अनुपात माने आयु के अनुपात, कहने का मतलब पिता और पुत्र का अनुपात 2:1 हो जाता है, 2:1 हो जाता है, 1 हो जाता है, तो वर्तमान में पिता की उम्र क्या है, वर्तमान में पिता की उम्र क्या है। एक बार मैं बता दूं आपको, एक बार मैं बता दूं आपको, एक बार बोर्ड के तरफ आओ, इस चैप्टर में बातें होंगी इसके, लेकिन मैं बता देता हूं कि एज के तमाम प्रॉब्लमों में ये चीजें फंडे लग जाएंगे। देखो फादर और सन, पिता के लिए मैं एफ लिख सकता हूं और सन के मैं पुत्र के लिए मैं एस लिख सकता हूं, कि इनका जो रेशियो है वो 4:1 है, अभी बताया गया है। फिर बताया गया है कि साहब 10 वर्षों के बाद, 10 साल के बाद, 10 ईयर आफ्टर, 10 साल के बाद इनका जो अनुपात हो गया वो 2:1 हो गया, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि बता कि बाप की उम्र कितनी है, तो एज का बढ़ना एक नेचुरल प्रक्रिया है। ऐसा नहीं हो सकता कि बाप कहेगा कि अभी तू उम्र को रोक कर रहे हमको बढ़ने दे, ना, उसको कंधे में भी डालें तो उसकी उम्र तो बढ़ ही बढ़ेगी, तो इसमें बताने की जरूरत ही नहीं है। ये तो उम्र बढ़ना एक नेचुरल प्रक्रिया है, वो बढ़ेगी बढ़ेगी। अगर बाप की उम्र 10 साल बड़ी होगी तो बेटा की भी 10 साल बड़ी होगी, ऐसा नहीं कि वो 1 साल आराम कर रहा था 9वें साल बड़ा है, वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो आप रेशियो को इक्वेट कर दीजिए, क्योंकि 10-10 साल दोनों रेशियो में एड हो चुके हैं, और एज के जितने भी प्रॉब्लम होंगे उसमें सब में एज बढ़ेगा तो सबका बढ़ेगा, ऐसा नहीं कि मैं बढ़ रहा हूं आप चुपचाप ना अभी मन नहीं कर रहा, ऐसा नहीं हो सकता। एज का तो बढ़ना नेचुरल प्रक्रिया है। तो 4 में से 1 गया तो ये हो गया 3, और 2 में से 1 गया तो हो गया 1। इससे इसमें गुना कर दो और इससे इसमें गुना कर दो, मतलब आप इसको जैसे ही 1 से गुना करेंगे और इसको 3 से गुना करेंगे तो ये रेशियो ऑर्डर में आ जाएंगे। मतलब क्या है कि फादर और सन का जो रेशियो वहां 4:1 था, तो 1 से गुना किया तो ये 4:1 ही हो गया, और इसको 3 से किया तो 3 2 6 और 3 1 3। देखो बाप आराम से बढ़ गया 2 यूनिट, अब बेटे भी कायदे से बढ़ गया 2 यूनिट, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी, कितना, 10 साल के बराबर होगी। तो 2 यूनिट की वैल्यू अगर 10 के बराबर होगी तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 5, यही है ना बाप की उम्र, तो 4 5 20, मतलब बाप 20 साल का है, है ना, 20 साल का आदमी है वो, बाप बन गया है अभी, है 20 साल, मेरी तो 20 साल से पहले ही बच्चे हो गए थे, 20 साल का तो 5 को लड़का 5 बरस का था,
लड़का तो एक ही है लेकिन 5 साल का, 14 बरस में शादी हो गया, हो जाती बचपन में। अब बच्चे तो बच्चे हैं, आ जाते हैं। एजेस के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन सारे प्रॉब्लमों में रेशियो की इक्वेटिंग की प्रक्रिया लगती है। मतलब ये बात उस चैप्टर में की जाएगी। मैंने आपको इसलिए बता दिया कि देखो एजेस के जितने भी रेशियोज के प्रॉब्लम हैं उन सब में ये चीज लगता है, लगेगा कि नहीं। काहे कि एज का बढ़ना एक नेचुरल प्रक्रिया है। ऐसा नहीं हो सकता कि बाप की उम्र 10 साल बढ़ेगी कहेगा कि मैं बड़ा हूं तो मैं थोड़ा ज्यादा बढ़ूंगा। ना, वो बराबर बराबर बढ़ता, वो प्रभु के हाथ में होता है। तो उसमें आदमी कुछ नहीं कर सकता। आदमी ऐसे ही सीधे सीधे सोच सकते हैं कि एज का बढ़ना एक नेचुरल प्रक्रिया है और एज के तमाम प्रॉब्लमों में इसकी यूजेस की जाएगी। समझ पा रहे हैं कि नहीं? हाँ या ना? देखो यहां लग गया एज में, सब में एज में लग गया। आप बस इतना ही जानिए कि रेशियो को इक्वेट कैसे किया जाता। बाद में जब एज चैप्टर आएंगे तो इसको थोड़ा सा और खोल के बताएगा मास्टर। अभी इतने जानिए कि एज के तमाम प्रॉब्लमों में रेशियो को इक्वेट किया जा सकता है। हाँ या ना? या क्वेश्चन लिखिए, फिर क्वेश्चन फिर से लिखिए। ए और बी के आय का अनुपात, ए और बी के आय का अनुपात, आय का अनुपात 9:4 है, 9:4 है, 9:4 है, और उनके खर्चों का अनुपात, उनके खर्चों का अनुपात, खर्चों का अनुपात, खर्चों का अनुपात 7:3 है, खर्चों का अनुपात 7:3, 7:3 है, 7:3 है, 7:3 है। यदि दोनों की बचतें, दोनों की बचतें 2,000 रुपये हैं, 2,000 रुपये हैं, तो एक ही आमदनी कितनी होगी? तो एक ही आमदनी कितनी होगी? तो एक ही आमदनी कितनी होगी? एक ही आमदनी कितनी होगी? एक बार मैं बता दूं आपको, एक बार देखो क्वेश्चन में मैंने लिखवाया है कि ए और बी इनके आय का जो रेशियो है वो 9:4 का है और जो खर्च का रेशियो है वो 7:3 का है, ठीक है, और जो बचत है, बचत वो 2,000 रुपये हैं मोटा मोटी। ये क्वेश्चन बताया गया, 2,000 रुपये बताया। तो देखो इसमें भी रेशियो को इक्वेट किया जा सकता है कि अगर मान लो बराबर बराबर घटत आएगी तो मैं उसको बचत लिख सकता हूँ और जितना यूनिट आएगा उतने यूनिट की वैल्यू मैं बचत के बराबर कह सकता हूँ। जैसे मान लो 9 में से 4 गया तो कितना आएगा? 5 आएगा, और 7 में से 3 गया तो कितना आएगा? 4। इसको इसमें गुना कर लो और इसको इसमें गुना कर लो, तो ये 4 से मल्टीप्लाई कर दो इसको और इसको कर दो 5 से मल्टीप्लाई, तो 9 चौका देखो 36, ये ए, और 4 चौका हो गया 16, और यहाँ पे 7 पंजे 35 और 5 दिया 15। आप देखो ये इनकम के रेशियो हैं, है ना, इनकम के रेशियो, और ये एक्सपेंडिचर के रेशियो हैं, ये तो 36 रुपये कोई कमाएगा और 35 रुपये खर्चेगा, तो इसका मतलब है कि 1 रुपये उसकी बचत होगी। मानते कि नहीं मानते इस बात को? और 16 रुपये कोई कमाएगा, 15 रुपये खर्चेगा, इसका मतलब है कि इनकी भी बचत कितनी होगी? 1। अगर बचत बराबर है
तो रेशियो को इक्वेट कर लो और इसी एक यूनिट की वैल्यू क्वेश्चनों में 2000 के बराबर बोली गई है, तो 36 यूनिट की वैल्यू 36 गुना 2000 बोले तो 72000 आ गया। और इसकी वैल्यू अगर बताई जाएगी तो 16 दुनी 32000 आ गया, अगर इसका पूछ दे तो 70000 आ गया और ये पूछ दे तो साहब 30000 आ गया। हम आंसर्स को फाइंड कर सकते हैं, समझ पा रहे कि नहीं? लेकिन अगर ये अलग अलग हो जाएंगे तो फिर हम नहीं कर सकते रेशियो को इक्वेट, समझ पा रहे कि नहीं? बोलो हाँ को हाँ। क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन उसके भी लिख लो कि डिफरेंट आएंगे तो क्या होगा, है ना? अगर सेविंग सेम होगी तब तो उसमें ज्यादा लफड़ा नहीं है, ऐसा आप रेशियो को इक्वेट कर लो और इक्वेट करके क्वेश्चनों को बना लो। लेकिन अगर मान लीजिए कि वो अलग अलग आ जाते हैं तब की सिचुएशन क्या होगी? एक बार फिर से लिखो क्वेश्चन, एक मिनट नहीं 2 मिनट रुक रहा हूं यार, गर्मी तो बहुत ज्यादा हो रहा है। अच्छा तुरंत ऐसे नाप के लेके गया है, है ना? यहाँ पर्दे लगाने पड़ेंगे, इसके चलते वो दिक्कत पैदा हो रही है ना, वहाँ तुरंत लग जाएगा 2-3 दिन और। हमारे यहाँ इतनी गर्मी नहीं पड़ती, यह ज्यादा ग्वालियर में दिल्ली से भी ज्यादा पड़ती है, मौसम के लिहाज से तो बहुत ही गलत है। मौसम के लिहाज से जितना ही देखने में ये खूबसूरत है, किला वगैरह देख के इसकी खूबसूरती बढ़ जाती है, उतने ये मौसम के लिहाज से गलत है। सर्दी भी ज़्यादा पड़ती है, गर्मी भी ज़्यादा पड़ती है, बरसात तो ज़्यादा पड़े उससे कोई दिक्कत है नहीं, कोनो हम कागज़ के पुतले तो हैं नहीं कि गल जाएंगे, लेकिन गर्मी अबर सर्दी में तो बहुत परेशानी होती है। मतलब इस शहर को खूबसूरत बना रहा यही किला, ऐसे देखो मन खुश हो जाता है। हाँ इधर यहाँ के लोगों को वो इतना अच्छा नहीं लगता, कहे कि यहाँ के 20 22 25 साल के बहुत ऐसे लड़के हैं, कहे कि किला पे तो मैं गया ही नहीं हूँ आज तक, है ना? बाहर के दुनिया घूम रही है इस किले को देख के आ आ कर रही है, लेकिन यहाँ गए कि नहीं किले पे? गए। क्वेश्चन लिखा, एक बार क्वेश्चन लिखिए प्लीज। ए और बी के आय का अनुपात, ए और बी के आय का अनुपात, आय का अनुपात 3:2 है, 3:2 है, और उनके खर्चों का अनुपात, उनके खर्चों का अनुपात, खर्चों का अनुपात 4:3 है, 4:3 है, 4:3 है, यदि वे दोनों क्रमशः 2,900 रुपये बचाते हैं, क्रमशः 2,900 रुपये बचाते हैं, 2,900 रुपये बचाते हैं तो एक ही आय ज्ञात कीजिए, एक ही आय ज्ञात कीजिए, एक ही आय ज्ञात कीजिए। एक बार मैं बता दूं आपको, कहा हाँ हाँ। अच्छा एक बात बताओ, इसमें रेशियो इक्वेट तो नहीं लग सकता, ये बात तो शायद आप समझ पा रहे हैं, कहे कि बचत अलग अलग है, तो यहाँ पे 2:3 बोले है ना? हाँ 3:2 बोले है, 3:2 है, और यहाँ पे 4:3 है, और ये 2000 बचाते हैं और ये 900 बचाता है। आपको यह बात तो शायद समझ में आ रही कि इसमें तो रेशियो को इक्वेट नहीं कर सकते, ये तो एकदम तय है। का है कि रेशियो जैसे ही हम इक्वेट करेंगे तो ये तो बराबर बराबर फेंकने लगेगा, तो बराबर बराबर फेंकने लगेगा तो हमें नुकसान का काम करना पड़ सकता है, समझ पा रहे ना?
तो अब आप देखो, अच्छा ये बात बताओ कि मैं मान लो 100 रुपए कमाता हूं और मैं 20 रुपए बचाता हूं, तो इसका मतलब मैं 80 रुपए खर्च रहा हूं, हाँ या ना? अगर मैं 100 रुपए कमा रहा हूं और 20 रुपए किसी भी सूरतों में बचा रहा हूं मान लो, तो इसका मतलब मैं 80 रुपए खर्च रहा हूं कि नहीं? तो आप ये भी कह सकते हैं कि 3x में से ये 2000 घटाए जाएंगे तो ये 4 आएगा, तो 3x माइनस 2000 इज इक्वल टू 4। मानते कि नहीं मानते इस बात को? और यहां 2x माइनस 900, 2x माइनस 900 इज इक्वल टू 3। वन में टू से इक्वेशन वन और इक्वेशन टू में डिवाइड कर सकते हैं ना आप, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं हम लोग, कर सकते कि नहीं? तो तीन से करोगे तो ये 9x माइनस 6000 इज इक्वल टू 8x माइनस 3600। लिख ले हम लोग, 8 और 9 में से घटाओगे तो ये x आ जाएगा और 6000 में से 3600 को घटाओगे तो ये आ जाएगा 2400, मतलब 1 यूनिट इज इक्वल टू दिस। तो एक ही इनकम पूछी है तो एक ही तो 3x है ना, तो 3 गुना 2400 बोले तो 24 दिया कितना हो गया 7200। हम आंसर्स को बता सकते हैं कि साहब ये 7200 रुपये एक ही इनकम होगी। सही जा रहे हैं गलत जा रहे हैं? अगर सेविंग्स डिफरेंट होगी तो हम रेशियोज को इक्वेट नहीं कर सकते, फिर हमारे पास रास्ता नहीं बच जाता कि हम उसको इक्वेट करके काम को खींच लें, है ना? नहीं, हम उसको नहीं बना सकते हैं। तो जब हम नहीं बना सकते हैं तो हम साहब एक छोटा सा इक्वेशन बनाएंगे और बना के एक्स की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लेंगे, और एक्स की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी तो हम क्वेश्चनों को खींच लेंगे। चले आगे है? चलो देखो, अगर 3 रेशियोज आएंगे ना इनकम एक्सपेंडिचर्स में तो क्वेश्चनों को कैसे खींचेंगे आप 3 रेशियोज? क्वेश्चन एक बार लिखियो, जब सीधा पूछेगा सीधा तब तो वो ज्यादा ड्रामा नहीं है, लेकिन वो अगर लटका के पूछेगा तो थोड़ा सा दिक्कत है। पहले मैं आपको सीधे क्वेश्चन कराता हूं 3 रेशियोज के, जब 3 रेशियोज पूछे जाते हैं तो। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, ए बी और सी के आयो का अनुपात, ए बी और सी के आयो का अनुपात, आयो का अनुपात 3:7:4 है। ए बी सी के आयो का अनुपात 3:7:4 है, 3:7:4 है, और उनके खर्चों का अनुपात, उनके खर्चों का अनुपात, खर्चों का अनुपात 4:3:5 है। यदि यदि ए 2400 रुपये की आय में से, ए 2400 रुपये की आय में से, आय में से 300 रुपये बचाता है, ए 2400 रुपये की आय में से 300 रुपये बचाता है, 300 रुपये बचाता है, तो सी की बचत क्या है? तो सी की बचत क्या है?
सी की बचत क्या है, एक बार मैं बता दूं आपको। देखो ये थ्री रेशोज हैं, ये ए बी और ये सी है। ये कहता है आय का रेशियो 3:7:4 है, शायद यही आपको मालूम है। हाँ बोलो, ये आय का रेशियो है और एक खर्च का भी रेशियो बताया आपको। खर्च का जो रेशियो है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी है कि 4:3:5 है। तो ये 4, ये 3 और ये 5, कह सकते कि नहीं? आप कहता है ए 2400 रुपये की आय है उसकी, जिसमें से वो 2100 रुपये बोला है ना, एक 2400। ए 2400 रुपये की आय है जिसमें वो 300 रुपये बचा लेता है। तो ये देखो, ये 2400 रुपये कमाता है, तो ये तो 3 यूनिट की वैल्यू है ना। तो 3 यूनिट की वैल्यू अगर 2400 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 800। ठीक है, तो इसकी यूनिट वैल्यू हम लोगों ने नोट कर ली कि साहब 800 रुपये आ रही है 1 यूनिट के। और अगर ये 300 रुपये बचा रहा, तो 300 रुपये बचा रहा, तो 2400 में कोई 300 बचाता है तो खर्चा तो 2100 का होगा ना। 2400 में कोई 300 रुपये बचा रहा तो खर्चा कितना होगा, 2100 होगा। तो ये जो 2100 है वो 4 यूनिट के बराबर है कि नहीं? तो 4 यूनिट की वैल्यू हो गई 2100 के बराबर। बोले तो खर्च का जो यूनिट वैल्यूज है वो है 525। खर्च की जो यूनिट वैल्यू है वो कितनी है, 525। अब आपसे पूछता है कि सी की बचत बता दो। तो 1 यूनिट की वैल्यू, यहां पे तो हमने 800 निकाली थी इनकम की, नहीं निकाली थी वहां पे, और खर्च का 525 का निकाला था, निकाला था। तो इसका मतलब 8 चौका 3200 रुपये इसकी इनकम होगी, होगी ना। और इसका खर्च कितना होगा, 25 2625। अब इसको आप घटाएंगे तो 375 575 आएगा, 575 आ गया। चौबीस सौ रुपये आए हैं इसकी, क्वेश्चन में बताइए। तो ये बताओ 3 यूनिट की वैल्यू होगी कि नहीं, कह कि इसकी आय का अनुपात तो 3 ही है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 800 होगी। तो इनकम का यूनिट आ गया 800। ठीक, आ 2400 में 300 इसकी बचत है, तो 2400 में अगर आपकी बचत 300 है तो आपका खर्चा कितना है, 2100। तो 4 यूनिट की वैल्यू 2100 होगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू 525। माने खर्चे की यूनिट देखो अलग आ रही है और आय की यूनिट अलग आ रही है। ये दोनों दो चीज है ना, कमाना अलग है और खर्चना अलग है। सी की बचत पूछा है तो इसको 4 में 800 से गुना करना पड़ेगा, कहे कि यूनिट 800 आई है, और इसमें 525 से गुना करना पड़ेगा, कहे कि 2625 आई है। आई बात समझ में आ गई? अब देखो इसमें क्या है ना, इसमें रुपया दे देता है, इसमें जब रुपया दे देता है तो क्वेश्चन आसान हो जाता है, कहे कि बच्चा आराम से उसको लगा लेता है, कहता है कि 3 के बराबर 2400 है तो 1 बराबर 800 आ गया। और यहां पे बचत दे दिया तो बच्चे को यह भी बात समझ में आ जाती है कि भाई 2400 में कोई 300 रुपये बचाएगा तो इसका मतलब खर्चा वो 2100 करेगा, तो यहां से भी निकाल लेता है वो, समझ पा रहे ना। लेकिन अगर इन बातों को वो नहीं बताता है तब और भी विकट समस्याएं पैदा हो जाएंगी। नहीं बताएगा, कुछ बोल भी नहीं करेगा, चुपचाप लगा जाएगा, तो उस परिस्थिति में हमारा सिचुएशन और कंट्रोल के बाहर हो जाएगा, है ना। एक क्वेश्चन तो ये देखने से हमें ये बात पता लग जाती है कि कमाना अलग चीज है, आखा रचना अलग चीज है। मानते कि नहीं मानते? कमाना कोई कमा सकता है, कमाने में मेहनत का है कुछ नहीं, जीरो है। खर्चना मुश्किल काम है ना, वो मुश्किल है। जवानी के दिन में लगता है कि खर्चना बहुत आसान है, कमाना मुश्किल है। काहे कि हमारे घर में जो बैठा हुआ बाप है वो बहुत डीलिंग देता रहता है, कमाओगे तब पता चलेगा,
है ना, कमाना कितना मुश्किल है, कमाओगे तब पता चल। सर कमाना मुश्किल नहीं है, वो तो गाड़ी ट्रैक पे आई कि पैसा फक 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 फेंकने लगा। खर्चना मुश्किल है सर, खर्चा करने के लिए जिगरा होना चाहिए, हाँ खर्चा करने के लिए कलेजे होने चाहिए, नहीं तो खर्च नहीं होगा। देख रहे हैं कि साहब आदमी नदी में डूब जाते हैं लेकिन धन की पोटली छोड़ता नहीं, है ना। खर्चना मुश्किल है, कमाना मुश्किल नहीं है। कमाना तो एक दो साल अगर लाइन पे आ गई गाड़ी तब फक 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 फेंकने लगेगी, उसमें मेहनत नहीं लगेगा। लेकिन चूंकि हम बचपन से अपने बाप को सुनते आए हैं कि 10 रुपये कमाने में कितना मेहनत है, कमाओगे तब जानोगे, हमारे दिलो दिमाग में बैठ गया है कि कमाना मुश्किल है। कमाना मुश्किल नहीं है, कमाने में का है कुछ नहीं है, खर्चने में काम है। मानते कि नहीं मानते हैं, चलो कमाओगे तब पता चलेगा। अपनी डीलिंग के लिए बोल देता है वो, कुछ नहीं है, कहता हमने तेरे लिए क्या क्या किया है ये मैं जानता हूं, बताओ हमको भी कि क्या क्या किया है, हमको भी बताओ क्या क्या किया तूने। धरती पे ले आने के लिए तो कुछ नहीं किया, सब डीलिंग है। वो आपको दे रहा, आप अपने बच्चे को देंगे, बल्कि सुन लियो कि मत दियो, है ना। कहे कि कोई किसी को कुछ नहीं करता, वो सब करो चाहे हम नहीं करो, इंसान बड़ा होगा ही होगा, बोलो हाँ या ना। बाप तो चाहता है, कौन बाप नहीं चाहता कि हमारा बेटा कलेक्टर हो जाए, कौन है धरती पे बाप है बता दो, कोई सब बाप चाहता है कलेक्टर हो जाए। पढ़ो 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 पढ़ो, अपने पढ़ते थे, अपने पढ़ते तो साले पटवारी हुआ करते हैं, तो इस उम्र में सर कोई नहीं पढ़ता, है ना। जो तनी ऐसा मन को दबा गया माता रानी, वो आगे चला गया। अब तेरा मन दबता है तो ठीक है, नहीं दबता है तब वो ठीक है। चलो ए बी सी क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। ए बी सी के आय का अनुपात, ए बी सी के आय का अनुपात, आय का अनुपात 3:7:4 है, 3:7:4 है, 3:7:4, 3:7:4 है, और उनके खर्च का अनुपात, और उनके खर्च का अनुपात 4:3:5 है। बचत का अनुपात पूछते हैं, नहीं हुआ वो इसके बाद के नंबर हैं। बड़ा बेटा पहले आएगा कि छोटके पहले चलाएगा, ये पहले बताया जाता, फिर अब इसके बाद वाला ही है। 4:3:5 है यदि, अच्छा ये रेशियो बदल दिया इसलिए कह दिया कि हो गया ना, अब लास्ट लाइन बदलेगी ना, लास्ट लाइन बदलेगी ना, वो तो बहुत लोग देखने में एक जैसे हैं, बहुत लोग देखने में एक जैसे हैं, लेकिन सब एक जैसे हैं थोड़ी, ऐसा थोड़ी है कि दीपिका पादुकोण को 3 हाथ है, को पीछा हूँ मैं, दुयोग है ना, लास्ट में पोजीशन बदलती है। आगे लिखो, यदि ए अपनी आय का, ए अपनी आय का 14 से 2/7% बचाता है, 14 से 2/7% बचाता है, बचाता है 2/7% बचाता है, तो उनकी बचतों का अनुपात क्या है। अब शायद आपको लग रहा कि अब नहीं हुआ है ना, अंतर है ना दोनों क्वेश्चन, डेटा तो एक हो सकता है, लास्ट में जाके बदल जाता है। ग्रेजुएशन तक तो सब लोग एक ही हैं, बाद में होता है ना कि कोई कलेक्टर हो गया, कोई पटवारी हो गया, वहां तक तो पढ़ना ही पढ़ना पड़ता है। देखो ये 3 रेशियोज हैं, जब रुपया दे देता है ना तो क्वेश्चन आसान हो जाता है, और जब रुपया ना दे के और ये सब ड्रामेबाजी करने लगता है तो क्वेश्चन मुश्किल हो जाता है, क्वेश्चन मुश्किल हो जाता है। एक बार मैं बता दूं आपको, एक बार आप इतनी बातें तो जान चुके हैं कि साहब आय अलग चीज है और खर्चा अलग चीज है, और इसकी यूनिट वैल्यूज भी अलग अलग होती है,
ना कि इसकी यूनिट वैल्यूज देखो 800 आई थी, इसकी आई थी 525, आई थी कि नहीं? तो मैंने इसको एक्स एक्स मान लिया, मान सकता हूं मैं, और इसको मैं वाई वाई मान सकता हूं। अब एक बात बताओ कि अगर मैं कहता हूं कि मैं 100 रुपए कमाता हूं और मैं 80 रुपए खर्चता हूं, तो मैं बचाता कितना हूं? 20। कैसे निकाला इसको? 100 में से 80 घटा के निकाला ना, तो ये देखो 3x में से 4y को घटा दो, तो भैया 3x में से 4y को घटाएंगे तो बचत आएगी, आएगी कि नहीं बचत? हाँ या ना? इज इक्वल टू जो आमदनी है उसका 14/7% परसेंट बोले तो 14/97 या 2 100/7, इतना परसेंट आएगा कि नहीं आएगा ना? तो परसेंट का मतलब डिवाइडेड बाई 100 होता है, मतलब इसको काट दो और ये 1/7 के बराबर होगा। मानते कि नहीं मानते इस बात को? क्या हो गया हो, दिख नहीं रहा? तू अभी छोटा है। अच्छा इसको नहीं दिख रहा, इधर आओ। माने दिख तो वो पीछे वाले भी हमको दिख रहे हैं और उनको मैं दिख रहा हूँ, तू यहीं से नहीं दिख रहा। अच्छा इधर आ जा चुपचाप। जब मैंने कहा कि क्वेश्चन बड़े हो गए तब तेरे को दिख नहीं रहा है, उस क्वेश्चन में ध्यान से देखने की जरूरत होती है, तो भैया तेरे को दिख नहीं रहा। इधर आ, ये 1/7 समझ पा रहे हैं कि नहीं? अब इस 7 को इधर ले चलो तो 21x - 28y इज इक्वल टू 3x, ये और ये घटाइए तो 18x इज इक्वल टू 28y, तो x बटा y इज इक्वल टू 28/18 बोले तो 14/9, x 14 यूनिट है और y 9 है। समझ में आई कि नहीं? निकल सकता है कि नहीं? अब मेरे को कुछ नहीं करना है, मेरे को यहाँ 14 से गुना करना है और मेरे को यहाँ 9 से गुना करना है और घटाते जाना है, सही है ना? तो 14 * 42, 9 * 27, अगर मैंने घटाया तो ये आ गया कितना? 15। फिर मैंने इसको भी घटा, 9 * 36, 6 आएगा क्या? यार 6 आएगा, 36 है ये, सॉरी 36 है, हाँ 6 आएगा। अच्छा 14/97 - 27 71 आएगा, और यहाँ से 14 * 56 और 9 * 5 = 45, ये आएगा 11, मतलब दिस इज रेशियो, हाँ या ना? अब देखो मेरी बात सुनो, अब बात समझने की बात आई है। हम चाहें तो हम इसको पूरा ख़त्म कर सकते हैं, इसको ख़त्म कर सकते हैं, पूरा गायब कर सकते हैं, मतलब इतना टाइम हमारे पास होता नहीं कि हम उन चीज़ों को बनाएं, समझ पा रहे ना? इतना तो टाइम होता नहीं कि हम इन चीज़ों को बनाएं, एक्स वाई ये वो करें ना, उतना नहीं होता। अब देखो आप 14/2/7% का मतलब 1/7, मतलब 7 रुपये में 1 रुपये का बचत है, मानते कि नहीं मानते? तो 7 रुपये में 1 रुपये का बचत है तो 7 रुपये में 6 रुपये खर्चता होगा वो, ओके। तो एक काम करते हैं, पहले मैं जितना इनकम है उतना एक्सपेंडिचर कर देता हूँ, ये 3 है ये 4 है, तो 3 में 4 से गुना करोगे तो 12 आ जाएगा और 4 में 3 से गुना करोगे तो 12 आ जाएगा, सही है ना? तो 12 रुपये कमा रहा, 12 रुपये खा जा रहा, जितना कमाओ उतना खा जाओ, पहले तो बराबर कर दिया। और फिर अब हमने देखा कि 7 में 1 बचत है, इसका मतलब 7 में 6 खर्चा है, तो इसको मैंने 7 गुना बढ़ा दिया और इसको मैंने 6 गुना बढ़ा दिया, तो देखो 7 * 4 = 28 से गुना करना इसमें पड़ेगा, 6 * 3 = 18 से गुना इसमें करना पड़ेगा, इसको काट दो तो ये 2 हो गया, इसको काट दो तो ये 3 हो गया, 7 * 2 = 14 * 3 = 9, 14 से इसमें गुना कर दो सब में और 9 से इधर कर दो, समझ पा रहे हैं कि नहीं? पहले हमने आमदनी और खर्चे को बराबर किया, ठीक है, पहले बराबर किया और बराबर करने के बाद मैंने देखा कि बचत कितनी है, तो 7 में 1 की बचत आ गई,
तो 7 रुपए में कोई 1 रुपए बचाएगा तो 7 रुपए में कोई 6 रुपए खर्चा करता होगा। तो जब हमने आमदनी और खर्चे को बराबर कर लिया है तो मैंने आमदनी को 7 गुना बढ़ा दिया और खर्चे को 6 गुना बढ़ा दिया, तो 1 गुना बचत हो गया कि नहीं हो गया। और यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 6 था, तो मैंने 2 से काट लिया, ये 7 दूना 14 हो गया और 3 का 9 हो गया। सब में से मल्टीप्लाई करते गए और घटाते गए, बचत रेशियो फेंक दिया कि नहीं फेंक दिया। बात समझ में आई कि नहीं? हाँ या ना? एक क्वेश्चन पहले नोट कर लो, इसको भी एक बार नोट कर लो। मान लो आप घर में जाके कभी भूल गए इन बातों को, ध्यान रखियो, ये आपको परेशान कर सकते हैं। काहे कि इसमें रुपया नहीं दिया जाता और पूछ देता है कि बचत का अनुपात बता दो। हाँ जी बोलो, माइक दो उसको, एक बार माइक दो। कहाँ माइक ले रहा भैया? माइक उठाइए मुरैना वाले। हमारे तक तेरी आवाज पहुंच ही नहीं पा रही। एक मिनट रुक जा, मिटा के बताता हूं। अभी यहां भी बहुत लोगों को कंफ्यूजन है, लेकिन सारे लोग इज्जत के चक्कर में पड़े हुए हैं कि मैं अगर ये कह दूं कि मेरे को समझ में नहीं आया तो मेरी इज्जत खराब हो जाएगी। मैं वो जान रहा हूं, क्लास की खामोशी बता देती है कि कितने लोगों को बात समझ में आई और कितने लोगों को नहीं आई, वो तो सब पता चलने लगता है। एक बार मैं थोड़ा बढ़िया से बताता हूं आपको तो आपकी बात समझ में आ जाएगा। देखो, अगर आपको दिक्कत आती है ना कहीं भी, तो मेरे को एक बार ऐसे हाथ उठाइयो, एक को आदमी। देखो, एक दो आदमी हाथ उठाता है तो लगता है कि वो मोबाइल देख रहा, लेकिन जैसे ही 3-4-5 डाउट होंगे ना, तो इसका मतलब मास्टर के बताने में गलती है ना, मास्टर के बताने में गलती है, तभी जाके ये 5 डाउट हो गए। 5 डाउट नहीं होंगे, एक डाउट अगर ऐसे उठा रहा ना, तो समझ लो हो सकता है मोबाइल वोबाइल देख रहा हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन 3-4 आदमी डाउट पे आ गया, इसका मतलब है कि मास्टर ने उसको लपेट दिया है। क्योंकि लपेटा कि नहीं लपेटा, तो थोड़ा बहुत लपेटा था। कहे कि ये जो चीज बताई ना पहले, और उसके बाद जब मल्टीप्लाई करके अति किया तो कंफ्यूजन क्रिएट हो गई है ना। मेरे को ऐसा लगा था कि कंफ्यूजन हो गई, लेकिन जो लोग थोड़े बहुत पढ़े होते हैं ना, उनको बातें क्लियर हो जाती है और समझ जाते हैं। मिटा दूं इसको एक बार? हाँ बोला। देखो, मैं आपको एक बार फिर से समझाता हूँ, आप समझ जाएंगे। बहुत बड़ा मैटर नहीं है, बहुत बड़ा मैटर नहीं है कि इसको समझा ना जा सके। मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ ना एक दो और, तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। देखो, ये हमारे पास डेटा पहले से था, ये सारी चीजें नहीं थी। इसको मिटा दो, ये मैंने आपको लिखवाया था, उसको थोड़ा बड़ा स्क्रीन पे करो तो मैं देखता रहूं। हाँ, ये आपके पास डेटा मैंने पहले से लिखवाया था, है ना। तो अब आपको क्या करना है इसमें, ये कहता है ए अपनी आय का 14 से ही 2/7% बचाता है। तो आप इसको अगर भिन्न में बदल सकते हैं ना, कि आप किसी भी परसेंट, 5% का मतलब है 5/100, या कोई भी परसेंट है तो डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो वो फ्रैक्शन में ट्रांसफर होगा कि नहीं। तो इसको आप ट्रांसफर आउट करेंगे तो ये आएगा 1/7, कि 1/7 आ गया। पहले आप क्या करो ना, कि जितना कमाइए उतना खा जाइए चुपचाप, है ना, ज्यादा बचत फचत के चक्कर में मत पड़िए। तो 3 ये है या 4 ये है, तो इसको 4 से गुना कर देंगे और इसको 3 से कर देंगे, तो ये 12 रुपए कमाता है और 12 रुपए खर्चता है।
सही है, जितना कमाया रात को खा गया, फिर सुबह कमाना शुरू, फिर रात को खा गया, है ना। जितना कमाओ उतना खा जाओ। लेकिन जब बाद के क्वेश्चनों में हम देखते हैं तो हमें पता चलता है वो 7 रुपए में 1 रुपए बचाता भी है, है ना। तो 7 रुपए में 1 रुपए बचाता है, इसका मतलब कि वो 7 गुना कमाता है तो 6 गुना खर्चा करता है, तभी तो 1 गुना बचाता है, सही है ना। अभी हम दोनों बराबर पे चल रहे हैं तो हम इसको 7 से गुना कर दें कि 7 गुना कमा लें और खर्चे 6 गुना, तो 1 गुना अपने आप बच जाएगा, नहीं बचेगा बोलो। हाँ, अब इसमें 18 से करना है और इसमें 28 से करना है, करना है ना। तो काट के छोटा कर लेते, 2 से काट लेंगे तो 2 7 दुना 14 से इसमें गुना करना होगा, इसमें 9 से करना होगा, इसमें 14 से करो, इसमें 9 से करो, घटाते जाओ, 14 से करो घटाते जाओ, 14 से करो घटाते जाओ। आया कि नहीं, इन लोगों से, मुरैना वाले से पूछ रहा हूं, आया कि नहीं। हाँ ना बोलो, आ गया। चलो एक क्वेश्चन मैं लिख दूं आपको, आप करके देखिए तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। हाँ, अपने से करेगा तो पेपर किसको करना है, मेरे को करना है कि आपको करना है, पेपर तो आपको करना है, तो आप करके देखेंगे ना कि मेरे को क्लियर हुआ कि नहीं। आ क्लियर नहीं हुआ तो कहां फंस गया क्वेश्चन, मिटाऊं इसको, मिटाओ। थोड़ा बचत का जो रेशियो है ना वो बड़ा बड़ा आएगा, है ना। तो डरना नहीं, आपने बनाना चुपचाप 7:9:12 और 8:9:15। देखो इसके आंसर कैसे आते हैं, इसके आंसर कैसे आते हैं, 69:99 और चौथा 56:69:99। कहता है ये अपनी आय का 1/4 बचाता है, फ्रैक्शन में कर दिया, ये अपनी आय का 1/4 बचाता है, पहले जितना कमाइए उतना खा जाइए, उसके बाद देखिए हमारी बचत क्या है, और जो हमारी बचत है उस हिसाब से खर्चना की कोशिश कीजिए। देखो हाई पहले तो बराबर कर दो सीधा सीधा, इसमें 8 से और इसमें 7 से, 56 56 दोनों बराबर हो गया, हो गया। अब ए अपनी आय का 1/4 बचाता है, मतलब 4 में से 1 बचाता है, तो 4 में से 3 खर्चता होगा, 4 में से 3 खर्चता होगा, इसमें 32 से मारना है और इसमें 21 से मारना है, समझ पा रहे ना। तो 32 और 21 ये आ गया 7 2 14, 7 3 21, 1 22 आइए 168, 56 आ गया। तो देखो 56 वाला 2 गो है, नहीं क्लियर हो पा रहा, 56 वाला अभी 2 गो है, 1 गो क्लियर करने से नहीं हो रहा, तो फिर यहाँ पे कर रहा 32 और 11 माइनस, तो 9 × 32 माइनस 9 × 11, तो 9 कॉमन लेके 32, ओ सॉरी 21 है ना, 11 नहीं, तो 32 माइनस 21, तो 9 × 11 99 आ गया। अब तो शायद आगे बढ़ने की जरूरत नहीं पड़ महसूस हो रही, अब तो ऑप्शंस ही बता रहे हैं कि हमारे आंसर क्या हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं, कि आप पहले इसको बराबर कीजिए, 3 रेशो दिमाग में रखना, परेशान कर सकते हैं आपको, है ना। इसमें रुपए नहीं दिए जाते जिसके चलते आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, हाँ दिक्कत हो सकती है, काफ़ी दिक्कत उठानी पड़ सकती है, तो आप इसको सोच लेना कि साहब ये कैसे कैसे जा रहे हैं, कैसे कैसे नहीं जा रहे हैं, कि पहले जितना कमाओ उतना खा जाओ, उसके बाद देखो कि बचत हमारी कितनी दी गई है, और जितनी बचत दी गई है वो बचतवा काट के खर्चा से मल्टीप्लाई कर दो,
मल्टीप्लाई कर दो तो वह एक्स वाई के झंझटों से हमें मुक्ति मिल जाएगी, और एक्स वाई के झंझटों से अगर हमें मुक्ति मिल जाएगी तो हम क्वेश्चनों को बना पाएंगे और कर पाएंगे। सही जा रहे हैं गलत जा रहे हैं? सही जा रहे हैं। अब देखो आगे चलें हम लोग, चलो आगे आगे चलो। क्वेश्चन पे आइए, देखो किन परिस्थितियों में हम रेशियो को जोड़ के इक्वेट करते हैं, अभी तक तो घटा के करते थे ना, लेकिन किन परिस्थितियों में हम दोनों का योग करके मारते हैं? कैसे पता चलेगा कि कब डिफरेंस से यूज करना है आप कब जोड़ के यूज करना है? क्वेश्चन एक बार फिर से लिखियो, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखिए। यदि ए और बी दो संख्याओं का अनुपात अनुपात दो अनुपात एक है, दो अनुपात एक है, यदि ए संख्या एक लिख रही है, यदि ए में से 87 कम करके बी में जोड़ दिया जाए, जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 1:1 हो जाता है, तो उनका अनुपात 1:1 हो जाता है, 1:1 हो जाता है, 1:1 हो जाता है, तो ए संख्या ज्ञात कीजिए। एक बार मैं बताऊं, रेशियो थोड़ा सा आसान दिया है, मतलब रेशियो कॉम्प्लिकेटेड बनाए जा सकते हैं, आप समझ पा रहे हैं? देखो ए और बी का जो रेशियो है वो 2:1 है, कहता है इसमें से 87 कम किया गया है, इसको दिया गया है, और इसमें 87 को जोड़ा गया है तो ये 1:1 हो गया। तो मैं ये देख पा रहा हूं पहली परिस्थिति में जितना पैसा था उतने पैसा दूसरी परिस्थिति में भी है, बस अपने में ट्रांजैक्शन हुई है, हम दोनों का रेशियो 2:1 है, मैंने आपको 87 रुपये दे दिए, तो पैसा तो घर में ही रहा ना, समझ रहे ना? मतलब ये जितना 2+1=3, अगर ये 3 यूनिट है तो ये भी 3 ही यूनिट होना चाहिए, लेकिन रेशियो के फॉर्म में ये 2 यूनिट है, तो बराबर होना चाहिए कि नहीं? कि दोनों ही पैसे बराबर है, एक में से 87 घटा है तो दूसरे में 87 जुड़ गया है ना, तो आप क्या करें कि इनमें 2 से गुना करेंगे, आप करेंगे ना 2 से, और इसमें आप 3 से गुना करेंगे 6 बनाने के लिए, तो यहां पे देखो 2 × 2=4 और 2 × 1=2 रेशो कैंसिल, और 3 × 3 और ये भी 3 × 3, ये देखो ए और बी 87 कम हुआ जिसके चलते 1 यूनिट कम हो गया, और 87 इसको मिल गया जिसके चलते 1 यूनिट बढ़ गया, समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? तो 1 यूनिट की वैल्यू 87 के बराबर मानी जाएगी कि नहीं? कि 87 रुपये उधर कम हुआ तो 1 यूनिट कम हो गया, आ इधर 87 रुपये बढ़ गया तो 1 यूनिट बढ़ गया, तो इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 87 के बराबर हो गई, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर हो गई? तो 4 ×
87 बोले तो 7 चौका 28, 8 चौका 32 अधू 34, मतलब हम कह दें कि 348 रुपये आए हों, 348 होगा उस संख्या का मोल। समझ पा रहे कि नहीं कि किन परिस्थितियों में हम क्रॉस मल्टीप्लाई जोड़ के करते हैं। देखो ये क्रॉस ही तो किया है, इसको इससे कर दिया है, इसको इससे कर दिया है, तो किन परिस्थितियों में हम जोड़ के करेंगे और किन परिस्थितियों में घटा के करेंगे। अगर दोनों तरफ बराबर घटत होगी या बराबर बढ़त होगी तो रेशियो को डिफरेंस से इक्वेट किया जाता है। और अगर एक आदमी दूसरे आदमी को रुपया दे देता है तो इसका मतलब ये है कि पैसा घर में ही है, मतलब यूनिट वैल्यूज सेम होगी। तो साहब दोनों को जोड़ के अक्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन लिखिए एक बार और, आप बना के बताएंगे। आप बना के बताएंगे। पास और फेल परीक्षा में पास करने वाले और फेल करने वाले, पास और फेल हुए छात्रों का अनुपात, हुए छात्रों का अनुपात, हुए छात्रों का अनुपात 9:1 है। पास और फेल हुए छात्रों का अनुपात 9:1 है, 9:1 है यदि और 6 छात्र पास हुए होते, और 6 छात्र पास हुए होते होते और 6 छात्र पास हुए होते तो इनका अनुपात 9:1 हो जाता, तो इनका अनुपात 9:1 हो जाता, 9:1 हो जाता है? पहले 6:1 बोला था ना। अच्छा तो मैंने गलती से बोल दिया होगा, पहले 6:1 है, अब है 9:1, गलती से बोल दिया होगा। शुरू में 6:1 था, आप कहता है कि अगर कितने छात्र, 6 छात्र और पास हुए होते तो रेशियो 9:1 हो जाता। समझ रहे ना? देखो ये पास करने वाले बच्चे हैं, पी लिख सकता हूं मैं, और ये फेल करने वाले बच्चे हैं, एफ लिख सकता हूं मैं, लिख सकता हूं कि नहीं? तो पहले जितने बच्चे थे उतने ही बच्चे आज भी हैं ना, बस पास होने वाले 6 को ज्यादा हो गए, तो फेलवा 6 को घटा होगा कि नहीं? यस नो, 9:1 हो जाता है, तो कुल छात्रों की संख्या क्या है, ऐसे लिख दो। तो कुल छात्रों की संख्या क्या है, तो कुल छात्रों की संख्या क्या है, कुल छात्रों की संख्या क्या है? आप अपने मन से आराम से सोचिए कि साहब स्टूडेंट्स तो उतने ही हैं, स्टूडेंट्स में तो कमी नहीं आई, बस पास करने वाले बच्चे बढ़ गए हैं। अब पास करने वाले बड़े होंगे तो फेल करने वाले घट गए होंगे, तो आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये 10 और यहां पे 7, बोले तो 10 छक्का 60 और 10 एकम 10 और 9 7 63 और 7 एकम 7, ये पास हैं और ये फेल हैं। देखो बढ़ कितने गए, 3 यूनिट है ना, और घट कितने गए, 3 यूनिट। तो इसका मतलब है कि 6 छात्र और पास हो जाते तो 3 यूनिट बढ़ जाते, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी, 6, तो 1 यूनिट की 2, तो यही है ना टोटल छात्र, 60 प्लस 10 कितना हो गया, 70, 70 यूनिट की वैल्यू हो गई, 70 × 2 बोले तो 140 आंसर फेंक दिया। कि साहब इसका मतलब है कि 140 आंसर्स होंगे, समझ रहे ना, कि ट्रांसफर होता है ना, ट्रांसफर होता है कि जैसे मान लो इस क्लास में इतना लोग हैं, अगर 10 लड़के लड़कियों के भेस में आ जाएं तो ये अनुपात हो जाए, तो
वो तो बच्चा उतना ही है ना, बस भेष बदल रहा, समझ पा रहे ना। या मेरे और आपके बीच में पैसे का जो अनुपात है वो 2:5 है। अगर आपने मेरे को 30 रुपए दे दिए तो अनुपात 3:4 हो गया। तो इसका ये मतलब है कि पैसा तो उतना ही है, है ना। आपने दिया तो आप में कम हो गया, अब मैंने लिया तो मेरे में ज्यादा हो गया। तो उन परिस्थिति में हम बराबर करते हैं, मतलब जोड़ के यूज करते हैं। अब कल बात होगी, जाओ क्लास 8:30 शुरू होगी कल से। कितने बजे आप आ जाएंगे? 8:25 तक 8:30 पक्के तौर से शुरू हो जाएगी। मतलब लेट आ रहे हैं ना बच्चे, आप लेट आ रहे हैं।